अभी सुबह के हो रहे हैं 4:42। दोस्तों सामने हमें पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है। अब टायर पंचर, तो बाद में इसका फोन आया कि भाई अभी हमारा थोड़ा ट्रिप वगैरह हो गया, बाइक लिटरली इसका पूरा पैर खिल गया। तो बहुत अच्छा टेंपल बना हुआ है, बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, जय श्री राम। तो आज हम काफी दिन बाद निकले हैं फिर से ब्लॉग करने। तो आज मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है जो कि मैं राइड पे जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। मतलब आज हम जा रहे हैं सोलन, अपने शिमला के पास है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं जटोली महादेव टेम्पल। तो साथ बने रहे, अभी सुबह के हो रहे हैं 4:42। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिक करने, तो उसको पिक करके आगे से हम निकलेंगे फिर जटोली महादेव की तरफ। यही रास्ता है, हाँ भाई, सुबह सुबह रास्ते भी नहीं पता चलते। तो बस यहाँ से आगे जाके मेरे दोस्त का घर आ जाएगा, तो उसको पिक करके फिर हम फटाफट निकलेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से दो दोस्त हमें और ज्वाइन करेंगे, जो हमारी जो हम जिनके साथ मैं घूमता हूँ वही। पता ही होगा कि मैंने एक महीने से ब्लॉग नहीं किया। तो ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा था। तो ऐसा है कि मैं शॉर्ट्स पे फोकस जरूर कर रहा था, मैं शॉर्ट्स जरूर अपलोड कर रहा था, तो मैंने डीएक्टिवेट नहीं हुआ था। बस हाँ, मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी, आज लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ मैं। हमने लगा लिया है खरड़ का मैप, खरड़ से दोस्त को फ़ोन करना है, फिर वहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे, तो वो इतनी देर में वो तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस फिर अभी निकल रहे हैं, अभी बस चंडीगढ़ रोड पर जाएंगे, चंडीगढ़ रोड से निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ, फिर वहाँ से आगे निकल के बस सारा सिस्टम सेट है जैसे भी है। हम जाना सीधा सोलन, सोलन से जटोली महादेव, बस उसके अलावा तो कोई प्लान नहीं है। बाकी उधर जाके प्लान पता चलेगा कैसे कैसे क्या सीन है। तो ये मंडल एंटर कर चुके चंडीगढ़ रोड पे, बस चंडीगढ़ रोड से सीधा सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना अभी। तो अभी निकलते हैं फटाफट। दोस्तों सामने हमें पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है। अब भाई इतनी अच्छी लग रही है ना, जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो उसके पीछे पहाड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही है, इतना अच्छी सीनरी है। तो वॉलपेपर लग रहा है भाई पूरा, वो कैमरे में ना वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, पहुँचने वाले हो गए, बस हम 3 किलोमीटर रह गए यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है। तो भाई ट्रिप मेरे को समझ नहीं आ रहा हम इतनी जल्दी पहुँच कैसे गए यार। फिर शायद ना, हाँ वैसे ये चीज़ हो सकती है कि ना जैसे हम बस वगैरह में आते हैं तो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो ना शायद वही दिमाग में बैठा हुआ। तो भाई हमें यहीं आना था, हम पहुँच चुके हैं, तो बस वो कह रहा था यहीं आता ना अंदर नहीं आता। हाँ जी जनाब, महादेव। थोड़ा लेट हो गया। कितना? थोड़ा। कितना? थोड़ा लेट। अरे ये तो फोन आ गया सी यार, वो कह रहे हैं कि पीछे किंदर तक खड़े थे पा। हैं? पता किंदर तक खड़े थे? कट कट 1 घंटा हो गया। तो आ गया ये फाइनली, ठीक है। अब इसको थोड़ा बातें सुनाने का दिल कर रहा पर चलो हम अच्छी जगह जा रहे हैं। तो यार सुन रहे ना तू? तो यहाँ पे रहता, ठीक है। आगे इसके घर के बाहर रेड मार देना, ठीक है। ये हमारे अरे महादेव जी फोन में लगे हुए हैं, ठीक है। बस अभी हम जा रहे हैं एक सबसे आलसी इंसान को उठाने हमारे ग्रुप का, उसको उसके पास जा रहे हैं। वो कहाँ पे रहता है? पंचकुला। पंचकुला, पंचकुला जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से उसको उठाएंगे फिर चलेंगे आगे सोलन की तरफ, रहता हूँ रास्ते में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। Believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling, I could tear you apart or I could go heal them, don't believe in fate, don't believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling, I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change. हाँ भाई आ गए हो? चलने की तैयारी है पूरी। मित्रों चलने की तैयारी है।
doing is a tough cause I'm a live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive. इसकी बाइक का हो गया है टायर पंचर. क्यों वाला? ठीक है, देख के आना मैं भाई. पंचर लग सकता है कहाँ? ये छोपेगी कहीं पे? तो दोस्तों अभी हो चुके हैं 9:28 और हम पहुंचने में थोड़ी देर रह गई है. थोड़ी दूर रह गया होगा, बस ज़्यादा दूर नहीं बचा, आधे घंटे का रास्ता होगा बस अब यहाँ से जटोली महादेव का. तो भाई मैं इतना पूरे इसको जो मूवमेंट है ना मेरा, इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना मैं इसको यार. भाई नेक्स्ट लेवल है. देखिए भाई इस तरफ देखिए आप यार, क्या ही नज़ारा है यार. कुदरत का करिश्मा है भाई, एक चीज कही यार, कुदरत खुद ही करिश्मा है यार. मतलब ना कोई शब्द नहीं है भाई, ऐसी जगह पे आके ख़त्म हो जाते हैं कि ना, जहाँ पे आप नेचर के साथ इंटरेक्ट कर पाओ. मैंने इतनी देर से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरा इंजॉयमेंट कर रहा था. और रोड बिल्कुल खाली है, बहुत खाली रोड है बिल्कुल ही, ठीक है. बहुत कम बंदे देखने को मिल रहे हैं हमें. जैसे एक गाड़ी है बस, इसके आगे कोई गाड़ी नहीं है. मेरे पीछे मेरे दोस्त आ रहे होंगे बस, उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं दिखाया. तो बस अभी हम चल रहे हैं जटोली महादेव की तरफ. सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे जटोली महादेव. तो आपको वहीं मिलूंगा जटोली महादेव. बाकी रास्ते में आते आते हमें बहुत राइडर मिले, राइडर्स उनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक थी, R15 वाले थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक और भी थी, ठीक है. वो उन्होंने मतलब वो लीन कर करके मोड़ रहे थे बाइक को, बहुत अच्छी लग रही थी. हमने भी लीन की अपनी तो जितनी हो सके, ज़्यादा नहीं की. ये अपनी हेलमेट है, ये अपनी बाइक है, ये मैंने यहाँ पे स्कीम से लगा के ये फिट कर लिया था, ठीक है. अभी चार्जिंग लगा रखा फोन मैंने इसके साथ, ठीक है. अभी ऑन करूँगा चार्ज साथ. ये अपने ये मंगवाए थे मैंने फिन्स, जो मैंने लगाने थे हेलमेट पे, पर हेलमेट पे मैं नहीं लगाए, मैंने अपनी बाइक पे लगा दी. वो इतने सेट बैठे हैं, ऐसा लगता है कि बाइक का ही पार्ट है वो, ठीक है. तो काफ़ी अच्छी लगती चीज़ें, तो हल्की सी मोटिवेशन अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जटोली महादेव. टेंपल मैंने ऊपर देख लिया था, तो अभी यहाँ से कहाँ से दिखेगा आई डोंट नो. तो देखिए सामने जटोली सोलन, जटोली महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर, जय शंकर, हर हर महादेव. भाई रास्ता कितना सुंदर है यार, देखिए मतलब पहाड़ी, देखिए कैसे रास्ता, कितना सुंदर रास्ता एकदम पर यार. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. महाराज राइडर, राइडर सर ने अपने चोट लगवा ली है. तो भाई साहब लिटरली इसका पूरा पैर छिल गया. तो बट हम पहुंच गए हैं जटोली महादेव. तो भाई इसने इसका हम आगे निकल आए थे, तो बाद में इसका फ़ोन आया कि भाई हम गिर, हमारा थोड़ा स्लिप वगैरह हो गया बाइक. तो भाई हम वापस गए फटाफट भाग के, तो इसका पूरा पैर छिला हुआ. फिर मैंने इसको थोड़ी बैंडेज वगैरह दी, वो इसने लगाई. तो बस अब जूते जमा करा के ऊपर चलते हैं. Sixty gate.
का टेम्पल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मतलब शब्द खत्म हो गए हैं अब। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलना चाहता, आपने शॉर्ट्स देख लिए होंगे। ठीक है, मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा अंदर से देखने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा अंदर से क्या सीन है क्या नहीं है, मैं किसी का भी अंदर से नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, हालांकि बड़े मंदिर में अलाउड नहीं है, पर हाँ बाकी मंदिर में अलाउड है वीडियो बनानी, पर मैं बताऊँगा नहीं क्या है क्या नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट्स में आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा, पर आपको यहाँ आना पड़ेगा एक बार। ठीक है, आप ज़रूर विज़िट करें, सोलन में है। ठीक है, देखिए टोली महादेव टेम्पल कितना बड़ा है यार ये,